आदिवासियों के हित के लिए झारखंड में वैसे तो कई योजनाएं बनती हैं, पर इसी झारखंड राज्य में आदिवासी बहुल का एक ऐसा भी गांव है जहां आदिवासी लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल से गुजर रही है। कारण क्या है, आइए जानते हैं। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भंडरिया का हिसातु गांव, जहां से लगभग तीन राज्यों की सीमा मिलती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यह गांव नक्सलियों का भी सेफ जोन माना जाता है। इस गांव में मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य योजनाएं जैसी कोई भी योजना आज तक नहीं पहुंची। देश आज़ाद हुए लगभग 7 दशक हो गए, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर इस गांव के लोगों के लिए चुआड़ी बनाकर पानी पीना पड़ता है। जी हां, यहां के लोग जीवन चलाने के लिए महुआ डोरी जंगल से कंदा गेठी खाकर किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। गांव की स्थिति यहां बहुत दमदमल है सर। यहां कोई रोजगार नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है कि बीमार पड़ने के बाद फिर बाहर ले जा सकें, उसका इलाज करा सकें। आवागमन का साधन मेरा के चलते अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाता है तो मौत के अथी में हो जाता है। यहाँ का स्थिति तो बहुत ख़राब है। हम लोग जो हैं, जितने हम ये 20-22 वर्ष के होते हैं, हम लोग बच्चे लोग सब बाहर चले जाते हैं काम करने। तो किसी प्रकार बाहर काम करके घर का खुराकी चलाते हैं। अब यहाँ का बच्चा लोग भी तो गाय बकरी चलाता है, कैसे उनका प्रशासन है, कोई व्यवस्था नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं आज, ना रोड बना, ना बिजली आया, ना पीने का ढंग से पानी मिल रहा है हम लोगों को। पानी आप लोग कहाँ से पीते हैं? नाला से, नदी से। नदी से पानी पीते हैं? अपने से गड्ढा खोद कर। कोई व्यवस्था नहीं सर? कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम है आपका? हल्कन किसान। स्थिति अभी गांव का? स्थिति बहुत दयनीय है गांव का। इस गांव में किसी प्रकार कोई रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है। और सरकार ने तो बहुत सा पैसा भेजा भंडरिया में, लेकिन हिसातु गांव में ना आज तक रोड बना, ना हॉस्पिटल बना, ना बिजली आया, ना पानी का व्यवस्था है, ना ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई तो होबे नहीं करता है। लड़का चंगा सब गाय बकरी चरा रहा है, उसी से गाँव घर का आदमी जीविका अपन चलाता है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा महेंद्र किसान। तो यहाँ हमेशा बंद ही रहता है। हाँ। क्योंकि यहाँ जब से 2008 में हम आए हैं अंबिकापुर से पढ़ाई करके, तब से देख रहे हैं कि स्कूल बंद रहता है। 2008 में आए तो 2 साल हमको पढ़ाने के लिए बोला गया था, हम पढ़ाए थे 2 साल तक यहाँ। हमको जो है 500 से 1000 रुपया दे रहा था, लेकिन हम भी छोड़ दिए पढ़ाने के लिए। उसके बाद अभी जो है हम मिशन स्कूल हमारे गोला में है, उसमें पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूल हमेशा बंद रहता है। क्या नाम? मेरा सूरजदेव पुराना।